सर ये जो हमारे जो प्रक्रिया है यूथ फोर्स ऑफ सल्तनत से पिछले सन 2006 से कर रहा है, इसके माध्यम से हम एक कड़ी के जो टीचर्स स्टूडेंट्स और जो जन समुदाय उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि जो जन समुदाय है वो शिक्षा से दूर होता जा रहा है। तो विश्वविद्यालय के अंदर रहकर हमें लगा कि हमें वो काम करना चाहिए। और एक बाबा साहब की जो कोटेशन जो बाबा साहब ने बहुत पहले कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो शायद हम उसको शायद हमने उसी को आत्मसात किया। और उस कोटेशन को याद रखते हुए, अगर वैसे बाबा साहब तो इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन कहीं अगर कुछ ऐसी बात है तो शायद हम उस लिस्ट में ना आए। हमें लगता है कि हम सब बाबा साहब की उस लिस्ट में आए कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा नहीं दिया, तो हम वही पढ़ लिख के हम वही काम कर रहे हैं कि जो हमारे वंचित समुदाय के हमारे भाई बहन छोटे जो रह जाते हैं और जो उन्हें ज्ञान नहीं मिल पाता, उनको समझ नहीं मिल पाती, तो यूथ फॉर सोशल जस्टिस के माध्यम से वही हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुरेंद्र जी, अब देखा जाता है कि कितनी भी बड़ी एजुकेशन ले लें और या देश का एक सर्वोच्च जो पद है जिसे महामहिम राष्ट्रपति कहा जाता है, तो आज जो एक विडंबना है, अगर प्रोफेसर है तो पहले बोला जाएगा दलित प्रोफेसर, दलित सांसद, दलित MLA, दलित राष्ट्रपति, क्योंकि आज देश को आज़ाद हुए 70-72 साल हो गए, लेकिन आज भी रूढ़िवादी और जातिवाद की व्यवस्था चली आ रही है। सर इसके पीछे मानसिकता उन्हीं की है, हमारी नहीं है, क्योंकि देखो बदलना वो नहीं चाहते, हम तो बदलने के लिए तैयार बैठे हैं, पर हम तो सदैव बदलाव के पक्षधर रहे हैं। पूरे देश हम मूल निवासियों का रहा है, हमने बदलाव की कोशिश करी। हमारे देश में जितने भी व्यक्ति हैं हमने हर किसी को आत्मसात किया है और हर किसी को सम्मान दिया है। शायद यही हमारी बहुत बड़ी विडंबना रही, हमने ऐसे व्यक्तियों को भी सम्मान दे दिया जो उस लायक नहीं थे और जिन्होंने इस देश में आकर ऐसी जहरीली परंपरा उन्होंने इस देश के अंदर स्थापित कर दी थी, असमानता वाली जो व्यवस्था उन्होंने स्थापित करी, हमारी जो व्यवस्था थी समानता वाली, लेकिन हमने सम्मान दिया, तो गलती उनकी थी लेकिन क्या करें। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हर किसी को सम्मान दें और इस देश के अंदर जो समानता वाली बातें हैं, समानता जो बहुजन हमारे नायक नायिकाओं ने जो बात रखी है, व्यवस्था मानवतावादी व्यवस्था, तो उसको चलाने की हमारी प्रक्रिया हम काम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, अभी आपने जो 2 तारीख का जो एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन कुछ जगह देखा गया है कि जो धरना प्रदर्शन वो शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन असामाजिक तत्व कुछ गोलियां चला रहे हैं और पुलिस का इसमें अहम रोल रहा है कि गाँव में जा जाके चिन्हित करके उनको बाहर निकाला जा रहा है और उनकी पिटाइयाँ की जा रही है और जाति सूचक शब्दों से पुलिस इस्तेमाल कर रही है। सर मैंने बताया कि इस देश के अंदर जो कुछ व्यक्ति हैं जो बदलना नहीं चाहते, उनकी घृणित मानसिकता वाले हैं, वो 2 तारीख के माध्यम जो बहुजन समुदाय द्वारा, खासकर SST समुदाय द्वारा, जो 2 तारीख का शांतिपूर्ण संविधान के दायरे में एक विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उसके बीच में कुछ जो असामाजिक तत्व आए जो कि विरोधी सरकार जो एक सरकार के द्वारा जो पराजित गुंडे थे उन्होंने बीच बीच में भेजे, जिनके द्वारा और खासकर UP के ADJ और कई बड़े बड़े पुलिस वालों ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि असामाजिक तत्व बाहर के थे, वह प्रदर्शन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। सरकार ने चिन्हित कर लिया था कि वो गलत व्यक्ति हैं, और दूसरा जो कि आपने एक बार बार वीडियो वायरल हो रहा है कोई किसी को मार रहा है, वो व्यक्ति दलित समुदाय से नहीं था, वो राजा चौहान था जो कि राजपूत समुदाय से था, तो वो व्यक्ति था। उसके अलावा कुछ और व्यक्ति हैं जो दलित नहीं नॉन दलित थे जिन्होंने हिंसा फैलाने का काम किया, सरकार उनको नहीं पकड़ रही, सरकार 1 घंटे में किसी को पकड़ सकती लेकिन उनको पूरा मौका दे दिया। और जो ऐसे जो जिनका कोई किसी से मतलब नहीं है, 16-16, 15-15 साल के लड़के और महिलाएं और 70 साल के बूढ़े, उनको पकड़ा जा रहा है, तो इसके द्वारा अपना बदला जो उनकी मानसिकता है इस समुदाय के प्रति, तो बदले की भावना के द्वारा सरकार काम कर रही है जो कि काफ़ी गलत है। तो ये माना जाए कि जो पहले से ये तो इतला थी कि हम 2 तारीख को ये बंद करेंगे, पूरा भाग बंद करेंगे, उसके बावजूद जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है उनका लाइन ऑर्डर जो है वो ठीक नहीं रहा। सर उनका लॉ ऑर्डर तो पिछले 4 सालों से ठीक है रहे ही ना, जहाँ जहाँ इस रंग की भगवे रंग की सरकार आई आपने देखा कि लॉ ऑर्डर उनका ठीक नहीं रहा। उनका लॉ ऑर्डर सिर्फ एक ही समाज के लिए सही है और दूसरे समाज को तो पूरी तरह से उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। कई देखा इनकी जहाँ जहाँ सरकार है आपने देखा दंगे हो रहे हैं, सब कुछ माहौल ख़राब हो रखा है, क्योंकि इन्होंने में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि लोगों के बीच में आपसी विश्वास की कमी हो गई है। जहाँ मैं देखता हूँ कि मेरे कई साथी हम दूसरे वर्ष थे, लेकिन जब से सरकार आई है एक ऐसे विश्वास की कमी हो गई, आज कोई भी व्यक्ति आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करे, दोस्त अच्छे नहीं पड़े। इसके पीछे है कि जो सरकार की मंशा आपस में भाईचारा ख़त्म करने की है। धन्यवाद सर।